हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स, रेजिस्टर्स जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज होते हैं, सब जानते हैं। तो जो हमारे रेजिस्टर्स होते हैं उनका सिंबल किस तरह से होता है, ये। और जब हम उनको देखते हैं तो वो एक डंबल शेप के होते हैं बीच में से, और साइड में उसमें वायर्स होती हैं। यहां उसमें बैंड बने हुए होते हैं, 1, 2, 3। एक बैंड यहां पीछे लगा हुआ होता है और कई रेजिस्टेंस में वो होता भी नहीं है। अब ये जो रेजिस्टर्स हैं, इनके ऊपर ये जो बैंड्स होते हैं ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं। और कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स क्या है, मींस जिससे कि हम रेजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारा रेजिस्टर है वो कितने ओम्स का है, या कितने किलो ओम्स का है, कितने मेगा ओम्स का है, इट मींस उसकी वैल्यू कितनी है। हम वैसे तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मल्टीमीटर का यूज करते हैं, लेकिन समटाइम्स हमारे पास ऐसा होता है कि मल्टीमीटर नहीं होता है और हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तब हम कलर कोडिंग का यूज करते हैं। कलर कोडिंग के लिए हम एक सिर्फ सेंटेंस याद रख लेते हैं, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। हम सिर्फ एक ये सेंटेंस याद कर लें, इसी से हमें उसकी पूरी कलर कोडिंग याद हो जाती है। इसके अब हम फर्स्ट लेटर ले लें, ये तो सारे आएंगे हमारे कैपिटल वाले, ले लें बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। इसके अकॉर्डिंग हमें टेबल बना लेते हैं, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके अकॉर्डिंग जो हमारे कलर्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। इनके लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज की जाती हैं, नंबर्स यूज किए जाते हैं इनके लिए, जो जीरो से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इस तरह से ही हमारी नंबरिंग हो जाती है। अब ये जो बैंड्स हैं, ये तो ये शुरू के 3 बैंड्स होते हैं। जो लास्ट वाला बैंड होता है वो या तो गोल्ड होता है, गोल्डन कलर का होता है, या फिर सिल्वर कलर का होता है, और कुछ रेजिस्टर्स में तो ये होता ही नहीं है, तो उसके लिए हम यहां पर ब्लैंक बोल सकते हैं। जो ये लास्ट बैंड होता है, इससे हमें उस रेजिस्टेंस की टॉलरेंस पता चलती है। टॉलरेंस, व्हाट इज टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या होती है, टॉलरेंस मींस रेजिस्टर की वैल्यू कितना वेरी कर सकती है। टॉलरेंस जो होती है वो हमेशा प्लस माइनस में होती है, कि अगर किसी रेजिस्टर की वैल्यू 100 ओम्स है तो वो उससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। थोड़ा बहुत कम ज्यादा वेरी होने को ही हम टॉलरेंस कहते हैं। तो अगर ये हमारा गोल्डन कलर का है टॉलरेंस बैंड, तो 10% की, सॉरी, अगर हमारे ये गोल्डन कलर का है तो ये 5% की मानी जाती है, सिल्वर कलर का है तो 10% की मानी जाती है, और अगर ब्लैंक है तो 20% की मानी जाती है। इस तरह से हमारी ये टॉलरेंस हो जाती है, मींस
अगर रेजिस्टर की वैल्यू जो भी है तो 5% कम या ज्यादा हम जो मेजर करेंगे आ सकता है। सिल्वर बैंड है तो 10% कम या ज्यादा आ सकता है, और अगर ब्लैंक है, कोई बैंड नहीं है, तो 20% तक उसकी वैल्यू कम या ज्यादा शो हो सकती है। ये ही उसकी टॉलरेंस कहलाती है। अब हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से निकालते हैं। सपोज एक हमारे पास रेजिस्टर है जिसमें यहां 3 बैंड्स हैं। तीनों बैंड्स का मैं कलर लिख देती हूं, ऑरेंज, इसका हम मान लेते हैं रेड, और यहां हम मान लेते हैं वायलेट, और यहां हम मान लेते हैं कि ये जो टॉलरेंस बैंड है ये गोल्डन है। तो इस रेजिस्टर की वैल्यू कैसे पता चलेगी? जो हमारे फर्स्ट 2 बैंड्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम उनकी नंबर्स लिख लेते हैं। ऑरेंज, हमारे टेबल में कितना आता है ऑरेंज? 3, तो हम लिख लें 3। रेड कितने पर आता है? 2 × 2। फर्स्ट 2 बैंड्स को हम फिगर्स में लिखते हैं, थर्ड बैंड को हम मल्टीप्लायर बनाते हैं 10 का, 10 to the power। वॉयलेट आपका कितना है? टेबल से देखा हमने 7 है, इट मीन्स 10 to the power 7। और ये आपकी गोल्डन टॉलरेंस है, इट मीन्स ±5%। इट मीन्स इस रेजिस्टर की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई? 32 × 10 to the power 7 ohms और ±5%। मीन्स इसका 5% वो ज्यादा भी हो सकती है और 5% कम भी हो सकती है, या इसके बीच में भी वेरी कर सकती है। आई होप आपको ये कलर कोडिंग क्लियर हो गई होगी। मैं यहां आपको 2 एग्जाम्पल लिख देती हूँ, आप उसकी कलर कोडिंग की हेल्प से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट, थ्री बैंड्स, और यहां पर आपका ये सिल्वर बैंड, यहां हम बैंड मान लेते हैं ग्रीन, वॉयलेट एंड ऑरेंज। G4 हमने यहां पर ग्रीन लिया है, ध्यान रखेंगे ग्रीन, क्योंकि G4 हमारे 2 हैं, ग्रे और ग्रीन, तो हमने बताया यहां पर हमारा ग्रीन है। दूसरा ले लेते हैं एक एग्जांपल, एक दूसरा क्वेश्चन है, इसकी भी वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। एक ले लेते हैं हम व्हाइट, रेड और B4 ब्लैक ले लेते हैं, और यहां पर हम कोई बैंड नहीं लेते, इट मीन्स इसकी जो टॉलरेंस है वो ब्लैंक, इट मीन्स 20% होगी। ये 2 क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। ओके।